हेलो फ्रेंड्स, नियमित स्टार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो सर, नमस्कार सर। मेरा नाम सुनील जम्बाल है, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ कामा कैफे का। और सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं गेस्ट को अच्छा खाना प्रोवाइड करूँ और खाने के साथ साथ उनका अच्छा वेलकम करूँ। तो उसके चलते हम यहाँ पे कामा कैफे के अंदर तरह तरह के फूड फेस्टिवल करते रहते हैं। मतलब साल में कम से कम अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, जिसमें ग्रीक फूड फेस्टिवल है, इटालियन फूड फेस्टिवल है, मेडिटेरियन फूड फेस्टिवल है और आपका चाइना का फूड फेस्टिवल है और काफ़ी सारे। हाँ, ये जो हमने जो लगाया हुआ है, ये थ्री रीजन स्टेट का जो फूड फेस्टिवल है। एक में सबसे नंबर वन पे आपका हैदराबाद, सेकेंड नंबर पे आपका पंजाबी फूड एंड थर्ड पे राजस्थानी फूड। तो इनका तीनों का जो मिश्रण है, हमने इनको बिहार पे रखते हुए एक फूड फेस्टिवल लगाया, जो मतलब बहुत ही रिलेटेड टू आइटम। मतलब जैसे आपका स्ट्रीट फूड लगा लो, उसमें बहुत सारी, जैसे सपोज करो पंजाबी का छोले भटूरे हैं, सरसों का साग है, या आपका पानी पूरी है, दही भल्ला है, चाट है, व्हाटएवर। मतलब जो गेस्ट की नीड होती है कि मतलब कि उस हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। और काफ़ी सारे फेस्टिवल ये हैं कि मतलब आने वाले टाइम पे मैं मतलब उनको लगाने वाला हूँ। आने वाले टाइम पे जैसे अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मतलब जो है अभी आप बहुत आने वाले हैं। तो जो ये फेस्टिवल शुरू किया है, तो ये कब तक चलेगा? सर, ये हमारा 1 मंथ का रहता है, ठीक है। और अगर गेस्ट की डिमांड रहती है कि नहीं सर थोड़ा सा उसको और बढ़ना चाहिए, मेन्यू में ऐड करना है, तो हम उसी ब्याह पे उसको लेते हैं सर। तो जो सबसे हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारा गेस्ट का सबसे पहला जो है कि जो डिमांड है उसको पूरी की जाए, जो उसकी नीड्स हैं। हम गेस्ट के साथ सर बैठते हैं, ऐसे मेन्यू उसके साथ मेन्यू बनाते हैं, मेन्यू के हिसाब से फिर हम उसको डिश को चूज़ करते हैं, फिर ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद हम उसके साथ उसको शेयर करते हैं कि तो खाने का प्रेजेंटेशन कैसी है, फूड कैसा है, टेक्सचर कैसा है। तो काफ़ी सारी थिंग्स हैं जो हम उसके साथ बात करने के बाद होते हैं। बट हमारी जो प्रायोरिटी है वो वही है कि मतलब गेस्ट का अच्छा से वेलकम हो, अच्छे से खाना प्रोवाइड हो और मतलब अच्छे से खुशी जाए। अभी 2 लोग आएंगे फैमिली के? जी सर। शायद बच्चे भी हो तो एक जो पैकेज है वो कितने का पड़ेगा? सर, ये मेरा कोई बफे सिस्टम नहीं है, ये बफे सिस्टम नहीं है, ये दिस इज ओनली अलाकार्ट सिस्टम है। बट काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि सपोज करो कोई छोले भटूरे खा रहा है, या फिर आपका हैदराबादी कोई बिरयानी खा रहा है, या राजस्थानी कोई गट्टा करी खा रहा है, राजमा चावल है, कढ़ी पकौड़ा है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स है। मतलब कि आपकी मतलब रीजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बहुत ही ये फेस्टिवल में पहली बार लगा रहा हूँ। चंडीगढ़ में ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल लगा रहे हैं, मैंने भी लगाया हुआ है। तो मतलब जो वैरायटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ या हम दे रहे हैं उसको, तो मतलब आपको देखने को मिलेगा। मैं तो सबको इन्वाइट कर रहा हूँ सर कि प्लीज़ एक बार मेरे रेस्टोरेंट में आइए और एक बार क्वालिटी चेक कीजिए, टेक्सचर कीजिए, जो हमारी सर्विस है उसको देखिए कैसे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक फैमिली टचअप होना चाहिए सर। छोले भटूरे की प्लेट कितनी है? सर, छोले भटूरे की प्लेट 400 समथिंग के आसपास है, 4 to 5 के आसपास प्लस टैक्सीज के आसपास। तो भटूरे है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब काफ़ी क्वांटिटी है छोले के आसपास, क्वांटिटी बहुत है। जो अकम्पलीमेंट्स वगैरह हैं, मतलब पूरा देसी स्टाइल में है। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बफे भी लगा रखा है सर, आप उसमें देख सकते हैं कि मतलब कि क्या क्या वैरायटी हमारी होते हैं। मतलब लॉट ऑफ वैरायटी हम वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द गेस्ट।